नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये नया वीडियो में आपका बहुत सारा स्वागत है। और दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम ये दो प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बात करेंगे। ब्लॉक सिस्टम है, यहाँ पर आप ये फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये लोगो जो स्केचवेयर प्रो का जो कस्टम ब्लॉक्स है ना, ये उसी का प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम क्रेडिट दे देते हैं, आप इन्हें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, फुल सपोर्ट कीजिएगा ये प्रोजेक्ट फाइल के लिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये प्रोजेक्ट फाइल दिखा देता हूं दोस्तों। ये जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है। बहुत ही दोस्तों, स्केचवेयर प्रो का जो कस्टम ब्लॉक्स सिस्टम है ना, ये उसी का ही प्रोजेक्ट फाइल है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कस्टम ब्लॉक्स आप देख सकते हैं, ये उसी का ही प्रोजेक्ट फाइल है। ये देखिए, ये जो कस्टम ब्लॉक्स है ना, इसी टाइप का आपको मिलेगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ दोस्तों, इसे इंस्टॉल करके दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। दो प्रोजेक्ट फाइल है, ये कस्टम ब्लॉक्स का ऊपर और एक दोस्तों प्रीव्यू। आप अगर कोड डालेंगे तो आप कस्टम ब्लॉक्स को प्रीव्यू में देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, आपको पता चल जाएगा आखिर ये किस तरह का प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप ये प्रोजेक्ट फाइल को अगर आपको चाहिए, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ये दोनों प्रोजेक्ट फाइल को दोस्तों आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम इसे स्कैन करते हैं, विदाउट स्कैन इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम दूसरा प्रोजेक्ट फाइल को भी दोस्तों हम जो है इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना ये आपका इंटरनल स्टोरेज का परमिशन आपको देना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों, आपको लगेगा ये स्केचवेयर प्रो का, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आप अपना मोर ब्लॉक बना सकते हैं, आप अपने लिए एक्स्ट्रा ब्लॉक्स बना सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। और ये ऑपर ये तो काम भी करता है दोस्तों, ऐसा नहीं, ये काम भी करता है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, पहले आप डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आप अपने लिए ये रिमूव भी कर सकते हैं, और दोस्तों वेरिएबल आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एसटी स्ट्रिंग, ये देखिए मैं वेरिएबल ऐड कर दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद स्ट्रिंग, जैसा कि स्केचवेयर प्रो में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों। आप यहां से इस कोड को भी देख सकते हैं, और यहां से आप कॉपी कर सकते हैं, यहां से किसी को अगर आपको, देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ये देखिए कुछ इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपना कोड को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, लिस्ट में नहीं है। तो आपने देखा ये कुछ कोड कुछ इस तरीके से स्केचवेयर प्रो में जो कस्टम ब्लॉक्स का जो सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम है ना, बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, इसको आप बैक कर दीजिएगा तो ये पूरा कट हो जाएगा, जैसा पहले था ये वैसा ही हो जाएगा। और दोस्तों, हम चलते हैं दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारा फाइल है, उसमें क्या है, जो कोड है ना, ये कोड को जो कस्टम ब्लॉक्स का जो कोड है, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। मैं आपको इसे भी इंस्टॉल करके दोस्तों दिखा देता हूं, ठीक है। अगर आप ये दोनों प्रोजेक्ट फाइल को दोस्तों इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, सीख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों अभी से ही आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सॉरी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास ये वाला वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट फाइल भी मैं दोस्तों आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, एक मिनट इसे ओपन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कोडिंग लिखना पड़ेगा, जेसन फाइल में कोडिंग लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, जिसका आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है दोस्तों, उसको मैं गेट करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एग्जाम्पल कोड है, इसको मैं अगर प्रीव्यू करता हूँ तो आप देख सकते हैं, ये कुछ प्रीव्यू में है, आप देख सकते हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ प्रीव्यू में है जो कम्प्लीट वर्किंग में है, काम करता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये कोड आप यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, और उस कोड को इसने प्रीव्यू में कस्टम ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोजेक्ट फाइल, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जरूर पसंद आया होगा, ओके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।